अस्सलामुअलैकुम आदाब। तो स्वागत है आप सबका काफ़ी समय के काफ़ी टाइम के बाद फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, अभी हम पहलगाम में हैं और हमने एक आइस क्लाइंबिंग इवेंट कर रहे हैं। तो वो अभी जो हम कुछ टाइम में यहाँ से हम निकलेंगे, हमने जाना है दुद्दल जो चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी से पहले। तो चले वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चले तो शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम पहलगाम से निकले हैं और हम पहुंच चुके हैं, क्या बना है इधर जिग पॉइंट है एक, यहां से आगे गाड़ी नहीं जाती है। तो यहां से अभी हमने ट्रैक करके जाना है, हम जा रहे हैं आइस क्लाइंबिंग के लिए। जो 3 दिन का इवेंट था कल वो स्टार्ट हुआ था, तो कल हम थोड़ा लेट पहुंचे। इसको जेके टूरिज्म जो है स्पॉन्सर कर रहा है, ये हमारे बाकी टीम पीछे। और अभी हमें यहाँ से जो है वो ट्रैक करके जाना है, तो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अब बताएंगे कुछ हमारी ऑडियंस को। हम आए हैं आज बायसरन, तो अभी आइस क्लाइंबिंग होगी। यारे परे खतरनाक लोग हैं हमारे साथ। खतरनाक लोग हैं या तो आज वो आइस रहेगी या ये लोग रहेंगे। ये पूरी टीम है और ये व्यू देखिए आप। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, व्यू इज टोटली अमेजिंग। यहाँ पे अभी फ्लैग ऑफ की जो सेरेमनी है वो यहाँ पे होनी है। फ्लैग ऑफ यहाँ से होगा, देन वी विल मूव ऑन। या वो बर्फ पे लेते फोटो ये अच्छी नहीं लगती। पर होम स्कोर था, पर सॉरी फॉर इंपॉर्टेंट चीज बात है। अगर तो ये क्या कर दियो, लग लीजिए ये हमारी फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो चुकी है यहाँ पे एंड। तो अभी हम निकल चुके हैं जिग पॉइंट से। आपने देखा कि यहाँ तक नॉर्मल ट्रैक बना था, बट यहाँ से आगे हमने ट्रैक भी खुद बनाना है। यहाँ से आगे ट्रैक हमें खुद बनाना है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। जीशान भाई लीड कर रहे हैं, उसके बाद इशफाक भाई है, दानिश भाई। तो अभी हम यहाँ पे ड्रोन शॉट के लिए रुके हैं। वो हमारे फोटोग्राफर जो चैन के टूरिज्म का फोटोग्राफर है वो सामने खड़ा है, वहाँ से वो ड्रोन शॉट लेंगे। और ये हमारी पूरी टीम। अभी ड्रोन शॉट लेना है और उसी के लिए हम यहाँ पे काफी टाइम से रुके हैं। नेम इज ड्रोन। तो अभी चल रहे हैं हम ट्रायल, काफी ज्यादा खूबसूरत है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि ट्रैक बना नहीं है, ट्रैक हम बना रहे हैं खुद ही। तो अभी पूरी लाइन हम देख सकते हो, पूरे आगे तक लाइन है, उस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी मैं आपको अभी व्यू दिखाता हूँ बैक साइड, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो अगर आप इसके साथ साथ अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ बंदे आगे चले गए और हमारे साथ है बिलाल भाई है, अर्शद भाई है और जीशान भाई। हाँ भाई, हम जा रहे हैं आज आइस क्लाइंबिंग के लिए और बर्फ बहुत है। हमारी टीम आगे रास्ता बना रही है और हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। हाँ, अभी तक आप ही लीड कर रहे थे, तो
क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं लीड नहीं कर रहा था, मेरे आगे और एक बंदर था वो लीड कर रहा था, बट मजा आने वाला है इंशाल्लाह। तो चले चलते हैं, बाकी टीम हमारी बिल्कुल आगे चल रही है फ्रंट लाइन पे, ये देखिए। इस साइड अब व्यू देखिए, सुजू का शाम लियो खज कुबुआ कुबुआ इस पाल कुबुआ इस पाल थोड़ा सा रेस्ट ले रहे, बनानास वगैरह हमें साथ है। तो है जाम, आगो ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे, थोड़े आगे चल के हम थोड़ा 2 मिनट का हम रेस्ट लेंगे कुछ खा के। बनानास वगैरह हमें साथ है, बनाना सबको साथ है, लगभग खाएंगे तो फिर से निकलेंगे हम। अभी यहाँ पे ब्रेक थोड़ी सी हमने ली है, सब हम यहीं पर रुके हुए, अभी कुछ ही सेकंड में हम फिर से यहाँ से निकलेंगे। ब्रेकस बना तो देखिए अभी हमारा ड्रोन जो हमें ड्रोन आए साथ है, ये ड्रोन उड़ रहा है यहाँ पे, अभी ड्रोन आएगा ड्रोन शूट। ये देखिए ये सब रेस्ट ले रहे हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी इस टाइम ने ब्रेक ली। इसहाक भाई पानी पी रहे हैं और दानिश भाई बोरे जल्दी जल्दी चलो। दानिश भाई काफ़ी एक्साइटेड है, फैजान भाई, बिलाल भाई, हमारे तोसी भाई है पीछे रहे कैमरामैन एंड उसका ड्रोन एंड ऑल दीज थिंग्स। चैलेंजिंग है काफ़ी, सीधे हमें डाउन उतरना है। मज़ा आ गया कसम से, अभी जावेद भाई उतरेंगे। चले चले आए। क्या बात है क्या बात है, सही 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 टेक्निक यूज किया आपने, वाह। ये थोड़ा यहाँ पे हमने हाइक करना है ऊपर की ओर, शाबाश शाबाश कम ऑन। हे नसा है, सासो उस सीरियस आई की साथ। तो भैया हम चल रहे, हम लेफ्ट साइड है और हमने राइट साइड जाना है। यहाँ से आपको दिख जाएगी थोड़ी सी हल्की सी वॉल है जहाँ हमने क्लाइमिंग करनी है, ये देखिए। और इसी के साथ हल्की हल्की बर्फ भी शुरू हो गई है। हम वॉल के अपोजिट साइड में हैं, रिवर क्रॉस करके हमने उस साइड जाना है और इसी के साथ बर्फ़ भी यहाँ पे शुरू हो गई है हल्की हल्की। अब जो है रियल एडवेंचर अब शुरू होगा, देखते हैं क्या होता है। हल्का सा एवलांच आया हुआ है, ये पहले आया है। हम रोड पे अभी चल रहे हैं और यहाँ पे इस गली में हल्का सा एवलांच आया है, ये कुछ दिन पहले आया है। अभी हम ट्रंक को लीड कर रहे हैं, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया, हल्की हल्की बर्फ़ शुरू हो गई है और यहीं से हमने जो है राइट साइड जाना है, अभी रिवर क्रॉस करना है। मैं आपको दिखा दूँ, ये है यहाँ से चंदनवाड़ी 3 किलोमीटर, शीशनाग 15 किलोमीटर। विशाल
अभी मैं सबसे आगे लेट कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है आगे, आगे कोई रास्ता नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जब आप सबसे आगे लीड कर रहे हो, और बर्फ में बहुत मुश्किल होता है ऐसे चलना। और जब भी आप स्नो ट्रैक करते हो तो खास ख्याल रखें कि आपके जो शूज़ है, ट्राउज़र है, वो सारा जो है वाटरप्रूफ होना चाहिए। इसी के साथ स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है आइस, वहीं हमने पहुँचना है और वहीं पे हमारी क्लाइंबिंग हो गई। यार अभी देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। ये हमारा जो ये वाला पैच है काफ़ी चैलेंजिंग है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है यहाँ पे, हम दरिया के ऊपर से, अभी यहाँ नीचे दरिया है, दरिया के साइड से चल रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस करना हमने। और ये सामने लॉन्च भी आया हुआ है 2-3 दिन पहले। ये देखिए फैजान भाई, फैजान भाई कहाँ चले गए थे, बर्फ़ हो रही है काफ़ी टाइम से, अभी हल्की हल्की हो रही है, अब थोड़ा सा समय रह गया है। हम लेफ्ट साइड में, हमने राइट साइड में जाना है, तो बस उसके बाद फिर हमने थोड़ा ही चलना है। यहाँ पे हमें नेचुरल पुल बोल सकते हो इसको, ग्लेशियर है यहाँ पे, अब लॉन्च सया हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, अभी हमने यहीं से क्रॉस करना है, रिवर क्रॉसिंग हम यहीं से करेंगे। तो आप अगर कभी भी जाते हो तो इसमें काफ़ी सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, ऐसे गलती से भी क्रॉस ना करें क्योंकि इसमें नीचे जाने का खतरा होता है। और हम जो कर रहे हैं, हमारे पास पूरा इक्विपमेंट और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी साथ हैं, हम इसमें जितने भी बंदे सब ने माउंटेनियरिंग कोर्स वगैरह किया हुआ है, विदाउट कोर्स कोई भी नहीं है इसमें। तो जब भी आप ऐसे कहीं ट्रैक पर जाते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें आप, जब भी आप ग्लेशियर क्रॉस करते हो। तो अभी हम यहाँ पे ग्लेशियर पे टोटल 2-2 बंदे जो है वो क्रॉस करेंगे। ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं इस टाइम पे, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है रिवर क्रॉसिंग का। ये मैंने आपको ग्लेशियर दिखाया था उसी के ऊपर चल रहा, पूरा 90 डिग्री चढ़ना है और सब जो है खामोशी से चढ़ेंगे। तो बिल्कुल 90 डिग्री अब हमें चढ़ना है, हम वीडियो बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। नीचे आइस है, ऊपर फ्रेश स्नो है, इसी की वजह से जो है स्लिपरी है ये। आप देख सकते हो हाउ डिफिकल्ट इट इज, दैट्स टू डिफिकल्ट, पूरी वेस्ट लेवल तक बर्फ है और खतरा भी है यहाँ पे, अगर हम वापस ले गए तो फिर से हम डाउन चले जाएंगे। काफ़ी खतरनाक पैच था ये, और अभी
थोड़ा सा रह गया, और बर्फ़ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये हमारा बाकी ग्रुप जो इस पेड़ के नीचे कुछ बंदे हैं और कुछ आगे चले गए, तो कुछ ही दूरी पे अब हमारी जो क्लाइंबिंग पैच है हम तो पहुँचने वाले हैं। कुछ टाइम में बर्फ़ भी हो रही है, ये देखिए कहाँ पे अभी हम, यहाँ से हमने इधर जाना है, यहाँ जो पेड़ पेड़ के पीछे है वो वॉल जो हमने क्लाइंबिंग करनी है। जितना इजी आपको ये वीडियो में लग रहा है उतना इजी नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस किया है, थोड़ा सा रह गया अभी। आखिरकार पूरी जद्दोजहद के बाद हम वाल के बिल्कुल सामने हैं, ये कुछ टाइम में हम पहुंच जाएंगे और यहीं हमने आज करनी है इस क्लाइंबिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आप, काफ़ी मुश्किलों के सामना करके आखिरकार हम पहुंच गए वाल के बिल्कुल सामने, और वो सेकंड टीम चल रही है वहां से। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल आइस वॉल के सामने बैठे हैं, तो पहले हम खाना वाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। खाना वाना खाने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ये रही वॉल। हाँ हाँ हाँ, तो लंच हो चुका है, अभी बेस बन रही है, तैयारी चल रही है, ट्यूमेंट जमा कर रहे हैं, बनाइए और उसके बाद क्लाइंबिंग देखते हैं जिस हिसाब से बर्फ़ हो रही है। ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते हम यहाँ पे, थोड़ा टाइम ही मतलब क्लाइंबिंग करेंगे और फिर यहाँ से वापस निकलेंगे। बर्फ काफी ज्यादा हो रही है इस टाइम पे, ज्यादा बर्फ हो रही है, खतरनाक स्नोफॉल अब देख रहे हो रही है। तो मुजफ्फर सर जो है वो पहले क्लाइंब करने जा रहे हैं, हमारे मुजफ्फर सर ऊपर बेस बनाएंगे, अगर ऐसी स्नोफॉल हुई तो फिर मुश्किल ही। ये देखिए काफी ज्यादा बर्फ हो रही है, मुश्किल है यहाँ पे सबका क्लाइम करवाना। देखो काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई है, के साथ आज का इवेंट यहीं पे खत्म, और अभी हम वाइंड अप कर रहे हैं और हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अब वापस निकल चुके हैं हम यहाँ से, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जिंदगी रही तो फिर कभी हम यहाँ पे क्लाइंबिंग करेंगे और फिर यहाँ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। वारिया मतलब ट्वेल से मगर छुस ना नेरन तोत कमई जी ना मैं कोरी तें बा चार छुनी कोता ओसे सुबह से, तो बिल्कुल हम वापस पहुंच नहीं वाले कुछ टाइम में, जहां तक गाड़ी आती है। व्यू देखिए अब लास्ट व्यू, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे अब रोड पे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वापस जा रहे हैं, अभी रोड पे देख सकते हो बर्फ भी है लेकिन हमारी गाड़ी में रेलिंग लगी हुई है। मिलते हैं आपसे हम होटल पहुंच के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वापस पहुंच चुके हैं और हालत देखिए अब काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है, तो अभी हम चेंज वेंज करके फिर
मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।